केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग ने दी बड़ी सौगात। औसत वेतन में 23.5% की बढ़ोतरी की सिफारिश की। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी रिपोर्ट। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। पेरिस हमले का मास्टरमाइंड 27 वर्षीय अब्दुल हामिद अबाउद बुधवार को हुई छापेमार कार्रवाई में मारा गया है। इस बात की पुष्टि पेरिस के अभियोजक कार्यालय ने की है। पुलिस ने टैप किए गए फोन कॉल, निगरानी से सूचना प्राप्त होने और गुप्त सूचना प्राप्त होने के बाद अभियान शुरू किया था। उन्हें वहां अबाउद के छिपे होने की सूचना मिली थी। उधर सांसदों को संबोधित करते हुए फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वाल्स ने देश में हमले के खतरे के साथ ही रासायनिक या जैविक हथियारों से हमले की आशंका जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस अधिकारियों से ऐसे सकारात्मक बदलाव लाने को कहा है जिससे राष्ट्र को फायदा पहुंचे। साल 2013 बैच के 169 आईएएस अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तनाव और संघर्षों से बदलाव नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और उन्हें इन वर्षों का अधिकांश उपयोग करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बुनियाद मजबूत बने। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश को जरूरी बताया है। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, उचित कर दर और प्राकृतिक संसाधनों के समान बंटवारे पर जोर दिया है ताकि कंपनियों को भारत में व्यापार करने में आसानी हो। जयपुर में रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान देश में निवेश को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान से भारत लाई गई गीता के अभिभावक होने का दावा करने वाले महतो परिवार को डीएनए परीक्षण से बड़ा झटका लगा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया है कि गीता की डीएनए जांच महतो परिवार से मेल नहीं खाती है। अपने चीन दौरे के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग से मिले और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया। राजनाथ सिंह 6 दिन की यात्रा पर बुधवार रात चीन पहुंचे। वो पेरिस में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर आतंकवाद से निपटने सहित बहुत से मामलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए चीन के शीर्ष नेताओं और जन सुरक्षा अधिकारियों के साथ बात करेंगे। सरकार ने चौथे दौर में 8 ब्लॉकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया आज शुरू की। इन ब्लॉकों की नीलामी इस्पात, सीमेंट व लौह जैसे क्षेत्रों के लिए की जानी है। सरकार कोयला ब्लॉकों की नीलामी और आवंटन के पहले 3 चरणों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहले ही जुटा चुकी है। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार कल 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेंगे। इस बीच माना जा रहा है कि मंत्री बनने की दौड़ में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी मदन मित्रा की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका गुरुवार को स्वीकार करते हुए मित्रा को लोअर कोर्ट में तत्काल पेश होने के लिए कहा है, जिसके बाद मित्रा ने सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के हवाले से बताया गया है कि उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। सीबीआई ने छोटा राजन के सभी 71 मामले महाराष्ट्र पुलिस से लिए। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2014 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहे 10 देशों में शामिल है। इसमें यह भी कहा गया है कि दुनिया में आतंकी हमलों से होने वाली मौतों में से आधी से ज्यादा के लिए अब तक ISIS और बोको हराम संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2015 GTI के अनुसार 2014 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 162 देशों में भारत का 6ठा स्थान रहा। चीन में बाढ़ के कारण आए एक भूस्खलन से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। भूस्खलन के बाद अब और कोई लापता नहीं है, अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी। खबरों के अनुसार गत शुक्रवार को पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के ल्यूशुई में मूसलाधार बारिश के कारण आए भूस्खलन ने 27 घरों को चपेट में ले लिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी टेस्ट मैच के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC नहीं रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि DDCA प्रशासन की मनोरंजन कर की मांग के संबंध में 1 करोड़ रुपए जमा करने को राजी हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की हॉकी टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। ये मुकाबला राजनांदगांव में खेला गया। इस मुकाबले में पहला गोल ऑस्ट्रेलिया की ओर से आया। हालांकि इसके बाद वी रघुनाथ ने 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल भारतीय टीम को 2-1 से मैच में आगे कर दिया। कल भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू होगा। इसमें 89 देशों की 187 चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन होगा। भारतीय पनोरमा में देश भर से 41 बेहतरीन फिल्मों को चुना गया है।